हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अरकंज या अरबी के पत्ते की सब्जी बनाने जा रही हूँ। जो जनरली तो लोग इसके पकौड़े बनाते हैं, लेकिन इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। और देखिए, ये बहुत बढ़िया एक रेसिपी बन के तैयार होता है। इसमें हमने बेसन लिया है और थोड़ा चावल भी 2 चम्मच लिए हैं, और अदरक लहसुन मिर्च पिसा हुआ, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, कलौंजी और थोड़ी सी हींग भी हम लेंगे। थोड़ा सा हम इससे 1 चम्मच तेल डालेंगे और सारे मिक्स करके पानी से हम इसे एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। हमने अरबी के पत्ते को हल्दी और नमक में रखा था 1 घंटे के लिए। इसके बाद एक एक लेयर हम पत्ते में बेसन के पेस्ट को हम लगाएंगे और इस तरह चारों तरफ उसे एक एक लेयर इसको हम लगाते जाएंगे। और ये हमारा कम से कम 4-5 लेयर लग गया। इसके बाद हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे दबा करके। पहले साइड वाले हम बंद कर लिए, इसके बाद बीच से भी। देखिए, ये अच्छे से फोल्ड हो गया है। फिर हम इसको एक थ्रेड से गोल गोल घुमाकर इसे बांध देंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से स्टीम हो जाएगा। और फिर जो बाकी है बेसन, इसको हम लपेट लेंगे। देखिए, अब फिर स्टीम इसको हम कर देंगे। इसी तरह हमने दूसरा भी बनाया है। कम से कम इसे हम 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। फिर ठंडा होने के बाद इसको हम कट कर लेंगे गोल गोल पीस में, और इसके बाद हम इसको देखिए कितना बढ़िया देख तैयार हो गया। और इसको हम फ्राई करेंगे एक एक करके। फ्राई मीडियम फ्लेम में ही करेंगे और गोल्डन फ्राई होगा। फिर इसे हम पलट लेंगे एक बार। ये देखिए, हमारा फ्राई हो गया है। इसके बाद ग्रेवी के लिए हम 2 प्याज ले लिए और 4-5 कली लहसुन का लेंगे। फिर अदरक भी ले लेंगे 1 इंच के टुकड़े। ये हमने खसखस का इस्तेमाल किया है और इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसके बाद हम 2-3 चम्मच एक फ्राई पैन में तेल डालेंगे और मेथी 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई 1/2 चम्मच, 1-2 तेज पत्ता भी डालेंगे और 3-4 हम हरी मिर्च भी डालेंगे, हींग भी डालेंगे थोड़ी सी। इसको हम हल्के से भून लेंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज लहसुन की, उसको डालेंगे और इसके हम गोल्डन ही ब्राउन करेंगे। ये देखिए, हमारा भून गया। इसके बाद हम 2 टमाटर को भी उसमें साथ में ही भून देंगे। ये हमारा भून गया। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च 1/2 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, जीरा भी 1/2 चम्मच डालेंगे और सभी को हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार जब हो जाए, भून जाए, फिर हम इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ी पानी डालेंगे। ये हमारा ग्रेवी तैयार हो गया है। थोड़ा सा 1-5 मिनट के लिए हम इसको और पका लेंगे। इसके बाद हम इसके फ्राई किए हुए अरबी को डालेंगे। और हमने डेकोरेशन के लिए चावल के ऊपर अरबी के डाल दिया है और मसाले के साथ इसको सर्व किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।